कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आचार्य सीरीज में। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्रदास। आज हम एक लीला देखेंगे, जयदेव गोस्वामी की एक छोटी सी लीला। ये जयदेव गोस्वामी जो थे 12th century के बड़े एक पोएट थे, कवि थे, और ये उन्होंने इतनी सारी कविताएं लिखी और ये इतनी कविता फेमस थी, चैतन्य महाप्रभु साक्षात वो कविता सुनते थे। तो ऐसे थे जयदेव गोस्वामी, 12th century पोएट, और उन्होंने ये फेमस पोयम लिखी है जो कि उसको बोलते हैं हम गीत गोविंद। तो ये गीत गोविंद इतना फेमस है जिसमें भगवान की अलग अलग लीलाओं का वर्णन है कि जगन्नाथ जी भी सोते समय ये गीत गोविंद सुनते सुनते सोते हैं। इतना बढ़िया सा उन्होंने ये गीत गोविंद लिखा है। जयदेव गोस्वामी जो है फेमस है किसके लिए, ये गीत गोविंद के लिए। तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने कविता लिखी है। तो जब ये गीत गोविंद जब लिख रहे थे एक बार जगन्नाथपुरी में, वो और उनकी पत्नी जो पद्मावती, ये दोनों रहते थे जगन्नाथपुरी में। तो वहाँ पे जब एक बार रह रहे थे और ये गीत गोविंद लिख रहे थे, तो गीत गोविंद बीच में उन्होंने लिखा था, बीच में तक आया था मिडल में, और तभी उनको स्फूर्ति हुई कि ऐसा एक पास टाइम भगवान की जो लीला है वो लिखने की स्फूर्ति हो गई। लेकिन जब उन्होंने अपने स्फुरन में अपने मन में देखा कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो राधा रानी को मना रहे हैं और राधा रानी रूठ गई है, तो बहुत प्रयत्न करते हैं श्री कृष्ण राधा रानी को मनाने के लिए, लेकिन राधा रानी रूठी हुई है। तब भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, वो दंडवत करते हैं राधा रानी को, और राधा रानी का जो चरण कमल है अपने सर के ऊपर रखते हैं। तो ऐसी जब स्फूर्ति हुई, ऐसा दृश्य जब जयदेव गोस्वामी ने देखा, तो वो बोले मैं ये नहीं लिख सकता गीत गोविंद में, ऐसे कैसे हो सकता है, जो भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, वो कैसे राधा रानी के चरण अपने सर पर ले सकते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो जयदेव गोस्वामी को ये विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। उन्होंने जो अपने मन में देखा ये दृश्य, ये लीला, तो वो लिख नहीं पाए। तो उन्होंने पेन वैसे ही रखा और पद्मावती को बोले कि मैं थोड़ा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, जगन्नाथपुरी में थे, उधर का जो समंदर है वहाँ पे मैं स्नान करने को जा रहा हूँ, और फिर बाद में स्नान करने के बाद मैं थोड़ा भोजन करूँगा और फिर मैं लिखना शुरू करूँगा, अभी मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। तो फिर पद्मावती बोलती है ठीक है। तो फिर जयदेव गोस्वामी जाते हैं नहाने के लिए समंदर में, और तुरंत 2 मिनट के बाद जयदेव गोस्वामी फिर से आ जाते हैं, और पद्मावती पूछते हैं क्या हो गया, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं किसी से, और सीधा अपने कमरे में चले जाते हैं, और वहाँ पे जो उन्होंने आधा जो पंक्ति लिखा है, पूरा नहीं लिखा था, वो कंप्लीट करते हैं। और फिर बाद में आते हैं, पद्मावती को कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। फिर वो प्रसाद परोसती है जयदेव गोस्वामी को, और जयदेव गोस्वामी खाते हैं और संतुष्ट होके फिर चले जाते हैं। और फिर थोड़े ही देर में बाद में जयदेव गोस्वामी फिर से आते हैं और बोलते हैं पद्मावती को कि मेरा स्नान हो गया है, अब मुझे भोजन दो। तो पद्मावती कन्फ्यूज हो जाती है, अरे अभी अभी तो आके गए आप, आपने भोजन किया, आपने कुछ तो लिखा अंदर और चले गए, अभी फिर से आए और बोल रहे हैं अभी भोजन चाहिए, कितने बार खाओगे। तो पद्मावती फिर जयदेव गोस्वामी कन्फ्यूज हो जाते कि मैं तो अभी अभी आया हूँ, इतने देर से मैं उधर स्नान कर रहा था और उसके बाद अभी आया हूँ, और आप बोल रहे हैं कि मैं आके गया करके, मैं तो नहीं आया था। तो फिर उनको डाउट हो गया कि कौन था वो एग्जैक्टली मेरे रूप में जो आया, जयदेव गोस्वामी कौन, मैं तो असली जयदेव गोस्वामी हूँ, कौन आया मेरे रूप में। तो फिर वो पूछते हैं पद्मावती को कि उसने क्या किया, मैं जब आया था तो मैंने क्या किया। आप पहले, पद्मावती बोलती है आप अपने कमरे में गए और आपने कुछ तो लिखा उधर थोड़े देर, और फिर आके फिर आपने प्रसाद ग्रहण किया और फिर आप चले गए। तो फिर ये जयदेव गोस्वामी जाते अपने रूम में और देखते हैं कि वो जो पंक्ति वो लिख नहीं पाए थे कि कैसे भगवान जो है राधा रानी के चरण अपने सर के ऊपर लेते हैं, वो एज इट इज वो लिखा हुआ रहता है, और इतने सुंदर अक्षरों में लिखा होता है, इतने सुंदर अक्षरों में लिखा होता है। तो जयदेव गोस्वामी रोने लगते हैं, उनको पता चलता है कि भगवान साक्षात जगन्नाथ और श्री कृष्ण वहाँ पे आए थे डायरेक्ट, और उन्होंने जयदेव गोस्वामी के रूप में आके वहाँ पे वो पंक्ति कंप्लीट की कि कैसे राधा रानी के चरण भगवान साक्षात अपने सर पे लेते हैं उनको मनाने के लिए। तो ये पंक्ति इतने सुंदर अक्षरों में लिखी, और फिर जयदेव गोस्वामी नाचने लगते हैं और पद्मावती को बोलते हैं तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुमने जो प्रसाद बनाया था वो भगवान ने साक्षात लिया, भगवान साक्षात जगन्नाथ, भगवान साक्षात श्री कृष्ण यहाँ पे आके गए। तो ऐसे जयदेव गोस्वामी थे और उनकी जो पत्नी पद्मावती इतने शुद्ध भक्त थे कि भगवान साक्षात उनको मिलने के लिए आते थे। इस लीला से हम देखते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण जो है, जो कि भगवान है, वो भी राधा रानी के सेवक बन जाते हैं। तो हमें अगर भगवान के पास जाना है तो राधा रानी की शरण लेनी पड़ेगी। हम डायरेक्ट भगवान को अप्रोच करेंगे तो भगवान हमें निकाल देंगे, हकल देंगे। तो राधा रानी की कृपा मिलेगी तो ही हमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिल सकती है। हम ये इस लीला से सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।